जब शीशा क्लियर होता है तो आप विजिबिलिटी देख सकते हैं कि शीशे की विजिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जेडी और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेडी ग्रजी फिजिक्स। और आज हम आपको बताएंगे कि इतने भयंकर बारिश के मौसम के अंदर जब आपकी गाड़ी के वाइपर खराब हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं तो आप देखोगे कि जो शीशा है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सामने की गाड़ियां आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद देखोगे तो ये गाड़ियां और भी धुंधली होती जाएंगी, यानी कि विजिबिलिटी जो है वो जीरो होने वाली है और धीरे धीरे जो विजिबिलिटी है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप देखो सामने से जो बाइक आ रही है आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही, केवल उसकी लाइट दिख रही है। और अब आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये पूरी तरह से ब्लैंक होने वाला है और आपको अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे मौसम में जब आपकी गाड़ी के वाइपर खराब हो जाते हैं और गाड़ी में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इस सिचुएशन का समाधान हम एक छोटे से चीज से कर सकते हैं। तो वो आपको करके दिखाएंगे कि इतने भयंकर बारिश के मौसम में जब आपके शीशे की जो विजिबिलिटी है बिल्कुल खराब हो जाती है तो आप उसमें क्या करें। ठीक है, तो हमारे पास एक आलू है और इस आलू को पहले मैं साफ कर लेता हूं। अब ये साफ है, हम इसको बीच में से दो टुकड़े करते हैं इस तरह से। और आपको पता होना चाहिए कि जो आलू है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रोफोबिक होता है, और जैसे हम इसको शीशे के ऊपर रगड़ देंगे इस तरह से तो आप देखेंगे कि शीशे के ऊपर जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। इधर आएंगे, इधर यहाँ पर हम इस शीशे में लगा के दिखाते हैं आपको, देखो। और यहाँ पर अब बारिश का पानी नहीं रुकेगा, देखो इस साइड रुका हुआ है, इस साइड नहीं रुकेगा। और ऐसे इधर आते तो हमने अभी आधे शीशे पर पूरी तरह से आलू रगड़ दिया, देखो, और उस साइड हमने बिल्कुल कम रगड़ा है। और अभी हम अंदर बैठ के और बाहर बैठ के देखेंगे क्या इसके ऊपर पानी इकट्ठा होता है या नहीं होता। बस आ जाओ थोड़ी देर। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर आलू लगा दिया था और आलू लगाने के बाद अब शीशा जो है उसके ऊपर पानी नहीं रुक रहा बिल्कुल भी। और आप देख पाते हैं कि आने वाली जो बाइक है फिर भी आपको दिख रही है, और बारिश की बूंदे भी आपको दिख रही होगी कि बारिश की जो बूंदे हैं वो लगातार गिर रही हैं, और फिर भी आप शीशे के अंदर विजिबिलिटी देख सकते हैं। अभी काफी क्लियर हो चुकी है पहले की बजाय, और पहले हमने आपको दिखाया था कि जब हम वाइपर बंद कर देते हैं तो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। और फिलहाल अब आप इसके अंदर देखेंगे आपको रोड भी दिख रहे हैं, साइड भी दिख रही है बिल्कुल क्लियर, और पानी जो है वो बूंद नहीं बना रहा फिलहाल। यहाँ पर देखो इसकी तरह, यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। हमने इस जगह पर आलू लगाया था लेकिन इस जगह आलू नहीं लगाया, तो आप देख सकते हैं कि पानी की बूंदी इस तरह रुक जाती है शीशे पर, जबकि जहां पर हमने आलू लगा रखा है वहां पर आप क्लियरिटी देखो, यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरिटी देख सकते हैं। जबकि इसके जस्ट ऊपर हमने आलू नहीं लगाया था, वहां पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अभी भी पानी की बूंदी रुकी हुई है और यहाँ पर पानी की बूंदी बिल्कुल साफ हो गई, शीशे पर पानी नहीं रुक रहा है। बिना वाइपर के चल रहे हैं और आपको अभी भी क्लियरिटी दिखाई दे रही होगी, जो रास्ता है बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ देखो। और बिना वाइपर के आप आसानी से देख पाएंगे कि आलू की जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोफोबिक वो हमारे बहुत यूजफुल होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, बाय।